पार्टी ने गोरखपुर के लिए आदेश किया है, मैं मजबूती से लड़ूंगा। अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि इसी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। चंद्रशेखर के इस ऐलान के बाद गोरखपुर सदर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। पार्टी ने गोरखपुर के लिए आदेश किया है, मैं मजबूती से लड़ूंगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की राह चुनी। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनके सामने भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं कुछ दिनों से खबरें थी कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव गठबंधन कर सकते हैं। चंद्रशेखर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से दो बार मिले भी थे। दोनों के बीच गठबंधन पर बात भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अखिलेश को दलित वोट चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। उन्होंने अखिलेश पर धोखा देने का आरोप भी मढ़ दिया। वहीं अखिलेश ने कहा था कि गठबंधन में भीम आर्मी को दो सीटें दी जा रही थी। इस पर चंद्रशेखर राजी भी हो गए थे, लेकिन फिर उनके पास किसी एक का फोन आया, जिसके बाद वो पलट गए। अखिलेश ने इसे साजिश बताया था। चंद्रशेखर आजाद ने अब सीएम योगी के सामने ताल ठोकने का फैसला लिया है, जिसके बाद गोरखपुर सदर सीट से मुकाबला देखने लायक होने वाला है। वहीं चंद्रशेखर के लिए ये एक अग्नि परीक्षा भी होगी।